नमस्कार, अभी हम खड़े हैं बगहा एक प्रखंड के बंगला टोला चौराहा के समीप तिरहुत गंडक नहर का मुख्य जो कैनाल है वहां पर। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक पुल है जो बहुत वर्षों पुराना पुल बनाया गया है और उस समय ज्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। यह सिंगल लेन का पुल था और आज ट्रैफिक ज्यादा बढ़ चुका है जिसके वजह से इस रास्ते आवागमन काफी प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या यह है कि इस पुल की रेलिंग जो है पिछले 10 वर्षों से टूटी हुई है और सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी इसको देखने तक नहीं आता है और न इसकी कोई रिपेयरिंग करने आता है, जिससे आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। हमेशा यहाँ पर जो भी छोटे बड़े वाहन जो है यहाँ से गुजरते हैं, जो नहर में जो है गिरने का डर लगा रहता है और रात में सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि यह समस्या कब से हो रही है और कितनी यहाँ पर परेशानियाँ होती हैं। सर, आपका नाम क्या है? आनंद शाही, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज लोकनाहा चौतरवा। यह जो पुल है, जो रेलिंग टूटा हुआ है, कितनी परेशानियाँ होती है यहाँ से आवागमन करने में? यह आज लगभग 12 से 15 वर्षों से यह रेलिंग टूटा हुआ है और इससे जो मिल पर गन्ना जाता है, बैलगाड़ी से भी जो कांटा पर गन्ना गिरने जाता है, कई बार इसमें बैल की पैर टूट चुका है, बैल का देहांत भी हो चुका है, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को कई बार इसके लिए हम लोग अवगत करा चुके हैं। अभी तक पता नहीं किन कारणों से उन लोग का ध्यान इस पर नहीं है। फिर हम आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग के द्वारा पूर्व में भी इस खबर को बार बार चलाया गया है कि इसमें से जान माल और पशु की दुर्घटना की जो समस्याएं बनी रहती है, जल्द से रेलिंग का निर्माण हो। तो पुनः आप लोग के माध्यम से हमारा यही कहना है यहाँ के स्थानीय प्रशासन, माननीय सांसद और माननीय विधायक से कि इसका यथाशीघ्र इसका निर्माण वो लोग कराए। तो यहाँ जो इस अहिरवलिया पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि है, उन्होंने इस समस्या के बारे में बताया कि यह करीब जो है 10-15 वर्षों से यह समस्या है और यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक से इसको अवगत कराया जा चुका है, किंतु किसी ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें कि यह जो नहर है, यह आपका NH-727 बहुअरवा जो है वहाँ से होते हुए आपको अहिरवलिया और रतवल नवलपुर जो चंपारण तटबंध है उसको यह जोड़ता है। उसके साथ यहाँ के करीब 3-4 पंचायतों को भी जोड़ता है, जिससे इस पुल पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। और आपको हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि यह कैसे रेलिंग टूटा हुआ है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बताया है कि कई बार इसमें जो है जो बैल है इसमें गिर चुके हैं, गन्ना ले जाने के क्रम में ट्रैक्टर ट्रॉली भी कई बार फंस चुका है, कई यहाँ पर टेम्पू भी जो है यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और ऐसे आए दिन छोटी मोटी जो घटनाएं हैं यहाँ पर होती रहती है, क्योंकि रेलिंग नहीं है जिसके चलते जो है लोगों को जो है रात में दिखाई नहीं देता है और जो है इंजर्ड हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि और कितनी समस्याएं होती है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिगंबर शर्मा। कितनी परेशानियां होती है इस पुल से आवागमन करने में? परेशानी तो इतना होता है कि कोई सवारी आ जाता है, इसमें कोई साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाला नीचे गिर जाता है, उसमें हाथ पैर टूट जाता है कि दवा की चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर पब्लिकों ने मिल करके अपना कोई गिट्टी कोई सीमेंट दे करके मरम्मती कराता है जो कि चलता है पुल। विभाग इस पर ध्यान नहीं देता है? विभाग कोई आता है और देख करके चला जाता है, नहीं कोई कुछ करता है, न कहता है, कह करके चला जाता है, न करने वाला कोई है, न कराने वाला कोई है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? होना चाहिए कि पुल को किया तो विधिवत निर्माण किया जाए, नहीं तो दूसरा पुल बनाया जाए। अभी तो पुल बहुत पतला है और आज के परिवेश में जो है यहाँ पर ट्रैफिक काफी बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो अब तो बड़े पुल की आवश्यकता है। यहाँ पर पुल का इतना जरूरी है कि जो NH-27 से जो गाड़ी आती है गोरखपुर के लिए भी इसी रोड से निकलता है कभी कभी। कितने पंचायतों को? पंचायत यहाँ 8-9 पंचायत है, रतवल से लेकर के और बथवरिया बसवरिया, ये सब जितना पंचायत सब इसी का मार्ग है ये। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे पंचायतों को जोड़ने वाला यह मुख्य रास्ता है। हमारे साथ एक और यहाँ के स्थानीय जुटे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद है। कितनी परेशानियाँ होती है इस पुल से आवागमन करने में? यहाँ से इस पुल से लगभग 10 से 15 बरस हो गया, आज तक इसका चौड़ीकरण पुल का नहीं हुआ, जिसके वजह से कितने माल जाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
नया विशेष क्या कहा, क्या होना चाहिए? इस पुल का नया चौड़ीकरण करना चाहिए, निर्माण होना चाहिए जी। तो यहाँ लगभग सभी लोगों का यही कहना है कि इस पुल का जो यहाँ पर एक नए पुल की निर्माण होनी चाहिए और चौड़ाई के साथ यहाँ पर पुल बनाई जानी चाहिए, क्योंकि पुल जो है यहाँ का लगभग लग रहा है कि 8 फीट से ज्यादा नहीं होगा चौड़ाई। सिंगल लेन का पुल है, अगर इसमें कोई एक चार चक्का की सवारी इसमें अगर चली जा रही है तो इस पर साइड भी नहीं लिया जा सकता है, ऐसी यहाँ की स्थिति है। और जिसके चलते रेलिंग टूट जाने की वजह से जो है आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे लोग यहाँ के इंजर्ड होते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर मांग है कि इस पुल को बनाई जाए। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि यह जो बंगला टोला चौराहा है यहाँ से करीब 2 किलोमीटर NH-727 है बहुअरवा, और इसको जोड़ने वाला जो पथ है ये भी काफ़ी जर्जर हो चुका है, जिससे लोगों का आवागमन काफ़ी बाधित रहता है। हालांकि बरसात के दिनों में काफ़ी प्रभावित होता है यह रास्ता, मुख्य रूप का रूप से यह NH को जोड़ने वाला जो रास्ता है यह जो है बरसात के दिनों में यह काफ़ी जो है खराब हो जाता है और आवागमन प्रभावित होता है। यहाँ के लोगों का मांग है कि इस पुल के साथ साथ इस सड़क का भी निर्माण कराई जाए ताकि लोगों के आवागमन करने में काफ़ी सहूलियत हो। बगहा से पटना न्यूज 24 के लिए शुभान अंसारी।